हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपना पाइथन प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिनों से मैंने इस प्लेलिस्ट में वीडियोस नहीं डाले थे, तो आई हैव प्लान्ड कि इसको रिज्यूम करते हैं। अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं पाइथन में, और अब हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और काम की चीज़ है। हम सीखेंगे कि पाइथन को यूज़ करके GUIs कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस। अभी तक आपने नोटिस किया होगा, जो भी वीडियोज़ हमने देखे और पढ़े उसमें हम सारा का सारा काम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट दे के कर रहे थे। यूज़र को इनपुट कमांड प्रॉम्प्ट में देना पड़ रहा था, बट वो पुराना तरीका है। अब आज का तरीका होता है GUIs, जहाँ पे यूज़र को एक यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है और यूज़र उससे इंटरैक्ट करता है। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल वेज यूजिंग विच आप पाइथन में GUIs बना सकते हो। देर इज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड PyQt, और देर इज़ वन मोर लाइब्रेरी कॉल्ड TK Inter, जिसको कुछ लोग किंटर बोलते हैं। तो मैंने प्लान किया है कि मैं आपको TK Inter पे GUIs बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, प्लान ऐसा है कि मैं 3 वीडियोज़ में इस पूरे TK Inter वाले पार्ट को डिवाइड कर दूंगा। उसका रीज़न ये है कि आपकी साइड से मुझे फीडबैक मिला है कि एक सिंगल वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप लोग को उतना मज़ा नहीं आता। तो हम 3 छोटे छोटे वीडियोज़ में पाइथन में GUI बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला वीडियो है, यहाँ पे मैं आपको TK Inter का बेसिक्स समझाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा लॉगिन विंडो बना के दिखाऊंगा, जहाँ पे यूज़र क्या कर सकता है कि जा करके वो ईमेल और पासवर्ड टाइप कर सकता है और लॉगिन बटन पे क्लिक कर सकता है। ये GUI हम लोग बनाएंगे। और अगले 2 वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, थोड़े और ज़्यादा फंक्शनल UIs बनाएंगे। जैसे मेरा प्लान है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक वॉलपेपर व्यूअर बनाएंगे, और उसके भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें अगर आप कर लो तो फिर आपको TK Inter यूज़ करना आ जाएगा, और कल को अगर आप किसी भी सिचुएशन में GUI बनाना चाहते हो यूजिंग पाइथन, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले 2 वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हो गई भाषणबाजी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ। मैं इस पूरे वीडियो के लिए PyCharm यूज़ करूँगा। PyCharm इज एन IDE फॉर पाइथन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, प्रोजेक्ट का नाम है पाइथन GUI TK Inter, और इसके अंदर मैंने फिलहाल एक फाइल बनाई है TK Inter_demo.py, और इस वीडियो में हम लोग इसी फाइल को यूज़ करेंगे सारा का सारा कोड लिखने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि TK Inter को यूटिलाइज करने के लिए आपको TK Inter को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छी चीज ये है कि ये बिल्ट इन पैकेज पाइथन के साथ आता है। जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करोगे, TK Inter बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड दैट यू हैव टू राइट इज, यू हैव टू राइट फ्रॉम TK Inter इम्पोर्ट ऑल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको सबसे पहले एकदम बेसिक GUI विंडो प्रिंट करके दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है रूट, विच विल बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ TK क्लास। TK इज द मेन क्लास जो TK Inter पैकेज के अंदर है। और इतना करने के बाद आपको लास्ट लाइन में बस लिखना है root.mainloop, सिंस रूट इज नाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ TK क्लास, तो TK के अंदर जो भी मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है रूट। बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये रहा मेरा मेन लूप। मेन लूप क्या करेगा, हमारे GUI को कंसिस्टेंटली स्क्रीन पे रखेगा। अगर आप ये मेन लूप वाला सेंटेंस नहीं ऐड करते, ये लाइन अगर आप ऐड नहीं करते, तो GUI आ करके तुरंत चला जाता, आपको पता भी नहीं चलता। तो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस इतना कोड अगर आपने लिख लिया, आप इसको एक बार रन करो, राइट क्लिक रन, एंड यू कैन सी दिस इज माई फर्स्ट GUI विंडो। इतना ईजी है, बस 2 लाइन में ये कोड आ गया। ठीक है, इस विंडो में वो सब कुछ है जो एक बेसिक विंडो में होता है। बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कैंसिल बटन है। यहाँ पर एक टाइटल है विंडो का, और एक छोटा सा आइकन इमेज है। ठीक है, अब आप इस विंडो को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं आपको पहले छोटे छोटे मैनिपुलेशन दिखाऊंगा, और फिर हम लोग अपना GUI विंडो बिल्ड करेंगे। सो सबसे पहला मैनिपुलेशन जो मुझे आपको दिखाना है वो ये है। जैसे यहाँ पर अभी आप नोटिस करो, यहाँ पे टाइटल में TK लिखा हुआ है, दैट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट। व्हाट इफ आई वांट टू रिप्लेस दैट विद सम कस्टम टेक्स्ट, लेट्स से मुझे वहां पे लिखना है लॉग इन विंडो। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, उनको मैनिपुलेट करेंगे। आई वुड राइट रूट डॉट टाइटल, और जैसे ही आप टाइटल लिखोगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो लॉग इन फॉर्म, That's it.
जैसे अब आप इसको रन करोगे दोबारा, ये देखो लॉगिन फॉर्म आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है कि ये आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, ये जो काइंड ऑफ फेदर टाइप का बना हुआ ये जो आइकन है इसको फेविकॉन बोला जाता है। किसी भी जीवाई विंडो में आप नोटिस करोगे, जैसे पाईचाम के भी विंडो में वहां पर एक छोटा सा आइकन है, तो मैं इस डिफॉल्ट वाले आइकन को रिप्लेस करना चाहता हूँ। और मेरे पास एक आइकन बना हुआ है, ये जो फाइल है फेविकॉन डॉट आई सी ओ, ये एक आइकन फाइल है, मैं इसको रिप्लेस करूंगा। सो आई वुड राइट रूट डॉट आइकन बिट मैप बोल के एक फंक्शन होता है, इसमें मुझे बस पास कर देना है फेविकॉन डॉट आईको फाइल। बेसिकली मैंने पाथ दे दिया मेरी फाइल का, और अब मैंने जैसे ही इसको रन किया, ये देखो गाइस यू कैन सी मैंने वहां पे कैंपस एक्स का लोगो डाल दिया। ठीक है, तो इतना मैनिपुलेशन शायद आपको आ गया। नेक्स्ट हम लोग विंडो के साइज को कंट्रोल करना सीखेंगे। लेट्स से मुझे ये मेक श्योर करना है कि विंडो का जो साइज है वो एक पर्टिकुलर साइज से छोटा ना हो पाए। जैसे यहाँ पर देखो आपने बहुत छोटा कर दिया, व्हाट इफ आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर कि वो एक पर्टिकुलर साइज से छोटा ना कर पाए, तो इसके लिए आपका कोड बहुत सिंपल है। आप लिखते हो रूट डॉट मिन साइज, और यहाँ पे आपको जो भी मिनिमम साइज रखना है, मान लो मेरा मिनिमम साइज होना चाहिए 100, 100। आई वॉन्ट कि इससे छोटा कोई विंडो को ना बना पाए। तो अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा, ये देखो ये इससे छोटा नहीं होगा, ये 100 है और ये 100 है, इससे छोटा नहीं कर सकते आप, ये मिनिमम साइज रहेगा इस विंडो में। ठीक है, थोड़ा छोटा है, व्हाट इफ मैं इसको करूँ 400 बाय 400, तो शायद आप थोड़ा और बेटर समझ पाओगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखो इससे छोटा नहीं होगा ये, देखो हो ही नहीं रहा, आई एम ट्राइंग बट हो नहीं रहा। ठीक है, तो जिस तरीके से मिन साइज होता है उस तरीके से मैक्स साइज भी होता है। अगर आप मैक्स साइज लगा दोगे तो इससे बड़ा नहीं कर सकते, इतना ही रहेगा मैक्सिमम। सो अगर मैं फिर से रन करूं, ये देखो आप इसको मैक्सिमाइज भी करोगे ना तो ये मैक्सिमम इतना ही साइज पकड़ेगा, इससे कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इफ मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर साइज का ही विंडो बने, तो उसके लिए ज्योमेट्री बोल करके एक फंक्शन होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज्योमेट्री, और यहाँ पे 400 क्रॉस, या मैं लिख सकता हूँ लेट्स से 200 क्रॉस 500, मुझे इस साइज का विंडो चाहिए। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आई वुड गेट दिस विंडो, ये देखो दिस इज द विंडो। तो आप किसी स्पेसिफिक साइज का विंडो भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ऑल्दो मुझे ये नहीं चाहिए था, लेट्स से मुझे चाहिए 350। हमें एक लॉग इन विंडो बनाना है तो थोड़ा सा विड्थ कम होगा, हाइट ज्यादा होगा। हाँ ये सही लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। तो अभी तक हमने कुछ चीजें सीखी। अगली चीज जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो है बैकग्राउंड कलर। इस पॉइंट पे ये एक बहुत ही बोरिंग ग्रे शेड में है, व्हाट इफ मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैं फ्लिपकार्ट का लॉग इन पेज बनाना चाहता हूँ, तो फ्लिपकार्ट के थीम कलर्स हम यूज करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट डॉट कन्फिगर बोल के एक फंक्शन होता है, इसमें बैकग्राउंड बोल के एक एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे अगर आप लिख दो ब्लू तो क्या होगा, आप जब रन करोगे इस कोड को यू वुड सी कि आपके जीयूआई में ब्लू कलर आ जाएगा पूरा लाइक दिस। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर हेक्स कोड भी दे सकते हो, जैसे मुझे जितना याद है 0096 DC, ये ज्यादा एक्यूरेट फ्लिपकार्ट का कलर है। मुझे इसलिए याद है, मैंने कुछ दिन पहले डिजाइनिंग की थी फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से रिलेटेड, कुछ बच्चों को सिखाने के प्रोसेस में, नॉट बिकॉज आई वर्क इन फ्लिपकार्ट। यस, ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कलर हमने रख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि आप कैसे एक इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, हम लोग एक इमेज ऐड करना सीखेंगे, और इमेज में हम लोग फ्लिपकार्ट का लोगो डालेंगे। ये फ्लिपकार्ट का लोगो है, इसको मुझे स्क्रीन पे डालना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। लाइब्रेरी का नाम है पिलो, पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी बोलते हैं इसको। आई वुड राइट फ्रॉम PIL इम्पोर्ट इमेज TK एंड इमेज,
ये दो चीजें आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपको इंस्टॉल करने नहीं आता है तो बहुत सिंपल है, आपको टर्मिनल पर जाना है नीचे और यहाँ पे ये कमांड लिखना है, पिप इंस्टॉल पिलो। जैसे आप एंटर मारोगे, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो ये लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाती है, और आपको अगर यहाँ पे एरर आ रहा होगा तो वो एरर चला जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में बताना। चलो अब हमें क्या करना है, इमेज को डिस्प्ले करना है। सो व्हाट वी विल डू इज विल गो डाउन हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल ओपन द इमेज। ठीक है, हम ये जो इमेज है फ्लिपकार्ट हाइफन लोगो डॉट पी एन जी, इसको हम लोग ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, हम लिखते हैं इमेज टी के डॉट फोटो इमेज बोल के एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम लिखेंगे इमेज डॉट ओपन फाइल का पाथ। फाइल का पाथ बहुत सिंपल है, मेरे केस में जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूं उसी जगह पर है, और इसी को हम बुलाएंगे इमेज लाइक दिस। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मेरे जीयूआई विंडो पे प्लेस करना है। तो जीयूआई विंडो पे प्लेस करने के लिए हम एक लेबल यूज करेंगे। लेबल क्या होता है, लेबल जनरली यूज किया जाता है टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, बट इफ यू वांट आप लेबल को यूज करके इमेजेस को भी प्रिंट कर सकते हो। सो यू वुड क्रिएट अ लेबल, लेट्स कॉल इट इमेज लेबल, एंड इट वुड बी इक्वल टू लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट जो रूट के ऊपर बैठेगा, और यहाँ पे इमेज का वैल्यू हो जाएगा ये जो इमेज हमने बनाया। और अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करूंगा आई शुड बी गेटिंग दिस। सो देयर इज सम एरर, आई गेस यहाँ पे फाइल एट्रीब्यूट नहीं होता, डायरेक्टली पास करते हैं। हाँ अभी एरर नहीं आ रहा है, बट इमेज भी नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है कि जब भी आप लेबल क्रिएट करते हो आपको उसको एक्सप्लिसिटली बोल करके जीयूआई पे बिठाना पड़ता है, और इसके लिए आपको एक ज्योमेट्री मैनेजर की जरूरत होती है। सो टीके इंटर में ज्योमेट्री मैनेजर का कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्री मैनेजर वो बंदा है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी यूआई एलिमेंट स्क्रीन पे कहाँ जाके बैठेगा। इमेजिन करो एक इंटीरियर डिजाइनर को जो डिसाइड करता है कि सोफा कहाँ पे लगेगा, बेड कहाँ पे लगेगा, कर्टेंस कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर ज्योमेट्री मैनेजर इज लाइक एन इंटीरियर डिजाइनर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो तरह के ज्योमेट्री मैनेजर्स होते हैं, एक होता है पैक और एक होता है ग्रिड। हम लोग पैक यूज करेंगे, पैक ज्यादा ईजी होता है, ग्रिड हम लोग आगे के वीडियोज में सीखेंगे जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे। तो आई वुड राइट इमेज लेबल डॉट पैक। पैक क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि कहाँ पे प्लेस करना है, और इस तरीके से हमें आउटपुट दिखाई देगा। सी दिस इज द आउटपुट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो जो इमेज है हमारा वो बहुत बड़ा है, तो दैट इज वाई हमारा जो विंडो साइज है उसको फाड़ करके बाहर निकल गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इमेज को रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेज को रिसाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इमेज को अलग से आप क्रिएट करोगे लाइक दिस। पहले आपने इमेज को ओपन किया और फिर आप लिखोगे रिसाइज्ड अंडरस्कोर इमेज इज इक्वल टू इमेज डॉट रिसाइज बोल के एक फंक्शन होता है, जहां पे आप बताओगे कि व्हाट शुड बी द हाइट एंड विड्थ ऑफ योर इमेज, और जो नया इमेज बनेगा उसको आप इस वेरिएबल में स्टोर करोगे। और अब आप क्या करोगे, उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर दोगे। ठीक है, और जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे यू शुड बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस। सी आई गेस यू गेट द आइडिया। ठीक है, आप चाहो तो और भी छोटा कर सकते थे, जैसे मुझे लगता है कि शायद 70 और यहां भी 70 ज्यादा सही रहता। लेट्स रन दिस, थोड़ा बेटर लग रहा है राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, जैसे अभी ये जो इमेज है ये ऊपर से बिल्कुल चिपका हुआ है टॉप से, उसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर जब आपने पैक किया तो आप अपने ज्योमेट्री मैनेजर को बता सकते हो कि थोड़ा नीचे लेके आओ। इसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है पैड वाई। पैड वाई में आप बताते हो कि ऊपर से कितनी जगह चाहिए, नीचे से कितनी जगह चाहिए। तो लेट्स से मुझे ऊपर से 10 पिक्सल चाहिए और नीचे से भी 10 पिक्सल चाहिए। अब मैं इस कोड को जैसे ही रन करूंगा आई शुड बी गेटिंग दिस। देखो थोड़ा ऊपर से नीचे आ गया, 10 पिक्सल्स कह रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज के नीचे लिखना है फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फिर से लेबल यूज करेंगे, बिकॉज कभी भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप लेबल यूज करते हो। तो I'll create a variable called
टेक्स अंडरस्कोर लेबल, ये भी लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि रूट के ऊपर बैठा हुआ है, बट इसमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी और जीयूआई ऑब्जेक्ट की तरह हम टेक्स्ट लेबल को भी पैक को यूज करके हमारे जीयूआई पे बिठा देंगे, ठीक है। फिर से रन करते हैं इस कोड को। सी आई गेस बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको इम्प्रूव करते हैं। मैं आपको दो तीन चीजें चेंज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि जो फ्लिपकार्ट है ना, ये व्हाइट कलर में लिखा हुआ आए, ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर अच्छा लगेगा। सेकेंड, बैकग्राउंड में इस टेक्स्ट के व्हाइट कलर आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ब्लू कलर ही चाहिए, तो मैं ये दो चेंजेस करूंगा। फ्लिपकार्ट का साइज थोड़ा बड़ा करूंगा, ठीक है, इतना काम मुझे करना है। देखो मैं कैसे करूंगा ये काम। सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, यहां पर आई वुड राइट फोरग्राउंड कलर, बेसिकली टेक्स्ट कलर शुड बी व्हाइट, एंड बैकग्राउंड कलर शुड बी जो हमने ऊपर ब्लू दिया है 0096 DC, ठीक है। और इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, पैक करते टाइम या पैक करने के बाद व्हाट आई कैन डू इज, आई कैन राइट टेक्स्ट लेबल डॉट कॉन्फिग, और यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि मुझे कैसा फॉन्ट चाहिए और उसका फॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए। लेट्स से मैंने लिखा मुझे वर्ड आना चाहिए और फॉन्ट साइज होना चाहिए 24, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ एंड इट इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें आप बहुत चीजें ऐड कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक्स कर सकते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर है। फिलहाल मैं ऐसा ही रहने दे रहा हूँ, आप ट्राई करना, ये कोड आपको मैं दे दूंगा। सो अब हमारे पास ये आ चुका है, अब हमें अपना लॉग इन फॉर्म बनाना है। तो लॉग इन फॉर्म बनाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले एक एरिया, एक टेक्स्ट इनपुट होगा जहाँ पे यूजर टाइप करेगा अपना ईमेल, और उसके नीचे पासवर्ड के लिए इनपुट होगा, और उसके नीचे एक बटन होगा जहाँ पे लिखा होगा लॉग इन, ठीक है। तो ये हमें बनाना है। तो व्हाट आई विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गो डाउन एंड आई वुड राइट ईमेल लेबल इज इक्वल टू लेबल, ये भी रूट के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे टेक्स्ट होगा एंटर ईमेल, ठीक है। और इसका भी फोरग्राउंड कलर होगा वाइट और बैकग्राउंड कलर होगा #0096 DC, ठीक है। और इसको भी हम लोग प्लेस कर देंगे, और ईमेल लेबल डॉट कॉन्फिग में हम लोग यहां भी लिख देंगे फॉन्ट इक्वल्स वर्डाना कॉमा, थोड़ा छोटा रहेगा ये, लेट्स से 14 के अराउंड, ठीक है। एक बार हम लोग इसको ट्राई करते हैं, लेट्स सी कैसा दिखाई दे रहा है। हाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, एंटर ईमेल। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ, 12 के अराउंड कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे पैड वाई दे रहा हूँ, मुझे ऊपर से थोड़ा गैप चाहिए, लेट्स से मुझे ऊपर से चाहिए 20 का गैप और नीचे से चाहिए 5 का गैप, ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, हाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे मुझे एक एंट्री बॉक्स चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जहाँ पे यूजर अपना ईमेल टाइप करेगा। सो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा ईमेल इनपुट, और एंट्री बॉक्स बनाने के लिए एक क्लास होता है एंट्री क्लास, यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा रूट कॉमा, दैट्स इट, फिलहाल इतना ही करना है। और हम लिखेंगे ईमेल इनपुट डॉट पैक, फिलहाल हमने पैक कर दिया, स्क्रीन पे डाल दिया, लेट्स रन दिस कोड। ये देखो गाइस, ये मेरा एंट्री बॉक्स है, यहाँ पर यूजर कैन टाइप, ठीक है। अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा एस्थेटिकली स्पीकिंग, थोड़ा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। हम इस एंट्री बॉक्स को थोड़ा बड़ा और थोड़ा सा चौड़ा बनाएंगे, कैसे, बहुत सिंपल है। थोड़ा विड्थ बढ़ाने के लिए विड्थ बोल के एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिखना है 50 का विड्थ दे रहे हैं, और वाई एक्सिस में बढ़ाने के लिए आई पैड वाई बोल के चीज होती है, यहाँ पे आप लिख दो लेट्स से 4, ठीक है। और अब आप इसको जैसे ही रन करोगे, देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहो तो विड्थ थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, लेट्स से 6 कर दिया हमने, विड्थ नहीं सॉरी हाइट। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ, हाँ दिस लुक्स बेटर राइट। अब बस हमें क्या करना है,
इसको रिपीट कर देना है, हमारे नीचे इसको रिपीट कर देना है. ऑल्सो वट आई वुड डू इज आई वुड राइट पैड वाई, मुझे नीचे थोड़ा सा गैप चाहिए तो आई वुड राइट ऊपर से सिर्फ 1, नीचे से मुझे चाहिए है लेट्स से 15. एंड नाउ वट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस एंटायर थिंग एंड आई विल रिपीट इट फॉर पासवर्ड वाली चीज. ठीक है, सो यहां पे नाम हो जाएगा पासवर्ड लेबल और लेट्स कॉपी, क्या हो रहा है ये, जस्ट वन सेकेंड, पासवर्ड लेबल, पासवर्ड लेबल, दिस वुड ऑल्सो बी पासवर्ड इनपुट एंड दिस वुड ऑल्सो बी पासवर्ड इनपुट. ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे एंटर ईमेल के बदले एंटर पासवर्ड. ठीक है, ऐसा दिखाई देगा. एक बार इसको रन करते हैं, लेट्स सी कैसा दिख रहा है हमारा जीयूआई. सही लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे यूजर अपना ईमेल टाइप करेगा, यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करेगा. अब बस मुझे नीचे एक बटन चाहिए जहां पे लिखा होगा लॉगिन, जिस पे क्लिक करने से लॉगिन होगा. ठीक है, तो देख लो बटन कैसे ऐड किया जाता है, बहुत ही सिंपल है. लेट्स कॉल दिस लॉगिन बटन और इसके लिए हमें लॉगिन क्लास को यूज करना पड़ेगा. आई एम सॉरी, लॉगिन क्लास को नहीं, बटन क्लास को यूज करना पड़ेगा. और यहाँ पे फिर से आपको उसको रूट के ऊपर बिठाना है, बटन के ऊपर आपको जो टेक्स्ट चाहिए उस पर लिखा होना चाहिए लॉगिन नाउ या लॉगिन हेयर, समथिंग लाइक दैट. और मुझे बटन का बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए है वाइट और मुझे फोरग्राउंड कलर एज इन टेक्स्ट कलर चाहिए है ब्लैक. ठीक है, और इतना करने के बाद मैं लिखूंगा लॉगिन बटन पैक, पैक में मैं लिखूंगा पैड वाई, मुझे ऊपर से थोड़ा गैप चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए है 10 का गैप और नीचे भी मुझे देना है लेट्स से 20 का गैप. ठीक है, इस कोड को हमने रन किया और ये हमारा बटन है गाइस. ठीक है, यू कैन क्लिक दिस. अब ये बटन को अगर आपको थोड़ा अच्छा करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप विड्थ बढ़ा सकते हो इसका. आप लिख सकते हो विड्थ लेट्स से 30, हाइट 5. और अब जब आप इसको रन करोगे थोड़ा तो अच्छा नहीं दिख रहा, लेट्स मेक इट 3. फिर से रन कर रहा हूं मैं. हाँ, आप चाहो तो टेक्स्ट साइज भी बड़ा कर सकते हो. आप लिख सकते हो लॉगिन बटन डॉट कॉन्फिग, कॉन्फिग के अंदर आप बता सकते हो आपको फॉन्ट कैसा चाहिए. लेट्स से मुझे सेम वर्डाना वाला फॉन्ट चाहिए और लेट्स से मुझे यहाँ पे 24 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 20 चाहिए फॉन्ट साइज. अब रन कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, लेट्स कीप इट 14. विड्थ 20, हाइट 2. हाँ, सीम्स नाइस. ठीक है, थोड़ा और छोटा इसको अगर करते हैं हम लोग, लेट्स से 10 कर दें तो शायद थोड़ा जीयूआई और बेटर लगेगा. ये अच्छा दिख रहा है. ठीक है, सो गाइस दिस इज द जीयूआई. अब मैं एक छोटा सा इसमें फंक्शनैलिटी आपको ऐड करके दिखाता हूँ. फंक्शनैलिटी ये होगा कि हम एक छोटा सा काइंड ऑफ सूडो लॉगिन ऐप बनाएंगे कि अगर ईमेल nitish@gmail.com है और पासवर्ड 1234 है तो जैसे ही मैं लॉगिन हेयर पे क्लिक करूंगा एक विंडो निकल के आएगा जो बोलेगा लॉगिन सक्सेसफुल. बट अगर मैं इसके अलावा कुछ भी और डालूंगा तो एक विंडो निकल के आएगा जो बोलेगा एरर लॉगिन डिनाइड, ये मुझे नेक्स्ट करना है. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा हूँ मेरे जीयूआई में. अभी मैंने बस यूजर इंटरफेस बनाया है, अब इसको हम लोग थोड़ा फंक्शनल करेंगे. ठीक है, फंक्शनल करने का लॉजिक बहुत ही सिंपल है. देखो, जब भी आप एक बटन बनाते हो ना तो आप बटन में फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए एक कमांड बोल के एट्रीब्यूट होता है, उसमें किसी फंक्शन का नाम डाल सकते हो. लेट्स कॉल दैट फंक्शन हैंडल लॉगिन. ठीक है, अब ये फंक्शन मेरे पास अभी है नहीं, तो व्हाट आई विल डू इज मैं ऊपर जाऊंगा और एक फंक्शन बनाऊंगा. लेट्स कॉल दिस फंक्शन हैंडल लॉगिन. और फिलहाल इस फंक्शन का कुछ काम नहीं है, ये बस क्लिक को प्रिंट करेगा. ठीक है, देखो मैं इस कोड को रन करता हूं.
देखो मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो क्लिक लिखा हुआ आ रहा है, जितनी बार भी मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ऊपर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो सोच के देखो मुझे करना क्या है। बहुत सिंपल है, मुझे इस ईमेल और इस पासवर्ड में जो भी यूजर ने टाइप किया उसको फेच करना है, चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। सही है तो एक टाइप का विंडो, गलत है तो दूसरे टाइप का विंडो, ये मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों फील्ड्स में यूजर ने जो भी टाइप किया है वो आपको फेच करके दिखाऊंगा। बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप, आपका यूजर जब भी कुछ टाइप करेगा वो ईमेल इनपुट में करेगा और पासवर्ड इनपुट में करेगा। तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल बोल के एक नया वेरिएबल बना रहा हूं, और ये हो जाएगा ईमेल इनपुट डॉट गेट। गेट फंक्शन क्या करेगा, जो भी वहां पे लिखा हुआ है उसको फेच करके ईमेल में डाल देगा। और पासवर्ड क्या करेगा, पासवर्ड बोल के एक वेरिएबल बना रहे हैं जो पासवर्ड इनपुट से गेट करके फेच कर लेगा। और मैं फिलहाल बस प्रिंट करना चाहता हूँ ईमेल कॉमा पासवर्ड में जो भी है, जो भी यूजर ने टाइप किया। इस कोड को हम लोग रन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने टाइप किया लेट्स से ABC, यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 2 3, मैंने लॉग इन हेयर पे क्लिक किया। ये देखो गाइस ये दोनों चीजें मुझे मिल रही हैं। अब बस मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे चेक लगाना है। आई वुड राइट इफ ईमेल इज इक्वल टू नितिश एट द रेट gmail.com एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन आई वुड लाइक टू प्रिंट अ विंडो जहां पे लिखा होगा लॉग इन सक्सेसफुल। तो वो विंडो प्रिंट करने के लिए आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, आपको टीके इंटरेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स को यूज करके आप मैसेज बॉक्स प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे बस लिखना है मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, और यहाँ पे आप लिखोगे लॉग इन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ये लॉग इन सक्सेसफुल, और एल्स में आई वुड राइट मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो में, नॉट शो इन्फो दिस टाइम, आई वुड राइट शो एरर में एरर लॉग इन फेल्ड। और अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा यू वुड सी मैं क्या बोल रहा था। यहाँ पे मैंने डाला पहले गलत, डालते हैं कुछ गलत है, ये भी कुछ गलत है। लॉग इन पे क्लिक किया, देखो लॉग इन फेल्ड बोल रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा नितिश एट द रेट gmail.com और पासवर्ड में मैंने डाला 1 2 3 4, लॉग इन सक्सेसफुल। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ GUI। ठीक है, आई गेस आपको मजा आया, छोटी सी चीज है बट मजेदार है, खुद बना के देखो और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा एक एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा वॉलपेपर व्यूअर का, जहां पे मल्टीपल इमेजेस होंगे, नेक्स्ट बटन होगा, नेक्स्ट 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 करने से अगला अगला इमेज लोड होता जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे जहां पे बिल्कुल जो कैलकुलेटर होता है आपके फोन में हम वैसा एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके एक बार देखना। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर द वीडियो, पसंद आया तो लाइक करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। ठीक है, बाय।